और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। लेकिन शर्त वही है, मस्जिद के आदाब के साथ बैठो, गल्ला करने वास्ते नहीं। वो आदमी बहुत अच्छा है, गौर से सुन लो ये जुमला, वो आदमी बहुत अच्छा है जो नमाज पढ़ के चला जाता है घर को और वापस नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है, उस आदमी के मुकाबले में जो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा रहता है और दुनियावी बातें करता है। बहुत अच्छा है वो इंसान जो चला जाता है वापस आता है नमाज अगली नमाज में, उस आदमी के मुकाबले में जो मस्जिद में बैठा रहता है और बैठा रहने के बाद बातें करता रहता है दुनिया की बातें, वो तो यहाँ से हासिल कर रहा और इधर से उसके फरिश्ते इसके नेकियों में तो आग लग रही आग लग रही आग लग रही। ये तो ऐसे ही है जैसे पेट्रोल डलवा रहा ऊपर से और नीचे से टैंक में सुराख है, ऊपर से भरते जाओ नीचे से खाली करते जाओ, बल्कि जिस कदर ऊपर से भर रहा उससे ज्यादा तेजी के साथ नीचे से निकल रहा। ना मेरे प्यारो, बहुत बुरा अमल है अल्लाह के घर में बैठकर दुनिया की बातें करना, अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं और बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह को ऐसे इंसान की परवाह नहीं कि वो अल्लाह के घर में आकर बैठकर अल्लाह के दरबार में बैठकर दुनिया की बातें करे, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। एक बहुत लंबी हदीस है, बहुत लंबी हदीस, उसका खुलासा बता देता हूँ, अचानक याद आ गई तो सुना देता हूँ। का बिच्छू की शक्ल का एक बहुत जबरदस्त जानवर मैदाने मैशर में आएगा, बहुत बड़ा जायंट होगा, शक्ल उसकी बिच्छू की होगी, इतना जोर से वो धाड़ेगा कि मैदाने मैशर वालों के दिल हिल जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे क्यों आया, क्या मैं अपनी खुराक लेने के लिए आया हूँ, मुझे मेरी खुराक मिल जाए मैं चला जाऊँगा। क्या तेरी खुराक क्या है, क्या पांच किस्म के लोग हैं, पांच किस्म के लोग जिसके अंदर ये पांच बुरी आदतें थी, ये पांच बुरी आदतों वाले मेरी खुराक है, मुझे मिल गया तो मैं चला गया सबको। और अल्लाह ने उसके दिमाग में ऐसा कंप्यूटर फिट किया होगा कि वो गुजरता हुआ उन पांच खसलतों में से किसी एक खसलत में भी कोई इंसान मुलव्वस होगा, वो अपने मुंह से उसको उठा लेगा, सबको अपने मुंह में रखेगा। उनमें एक वो भी होगा जो अल्लाह के घर में आकर दुनिया की बातें करते थे, वो होगा अल्लाह के घर में बैठकर दुनिया की बातें करने वाले थे, अल्लाह का वो अल्लाह की तरफ से जो भेजा हुआ जानवर है वो आएगा और उठाएगा, एक एक को उठाएगा और एक एक को उठाएगा, सबको अपने मुंह में रखेगा और फिर ले जाएगा और अपना मुंह जहन्नम के दहाने पर रखकर सबको खाली करके जहन्नम में फेंक देगा। नहीं मेरे प्यारे, बेहतर है चले जाओ घर, मैं नहीं कहता आप चले जाओ, ये तो साइकोस्टिक में मैंने कहा चले जाओ, मतलब यह है कि बैठो मस्जिद में, बैठने का बहुत सवाब है, लेकिन बैठो तो उसके आदाब की रियायत भी जरूर करो, बचो, दूर दूर बैठो, कुरान शरीफ पढ़ो, तस्बीहें पढ़ो, जिक्र करो, दुआएं करो, और जैसे मैंने कहा सब कुछ करने के बाद थक गए हो तो मस्जिद में चुप करके बैठो, कि चुप करके बैठने का भी अल्लाह की हाजिर है, हर सांस पर अल्लाह की हाजिर है, लेकिन खुदा के वास्ते दुनिया की बात मत करो।